आफ्टर दैट लाइक इन माय फोर्थ ईयर फिर मैंने मतलब कुछ फ्रेंड्स थे जो मतलब कुछ फ्रेंड सर्कल में थे मतलब जो कोडिंग वगैरह कर रहे थे, सो दे सजेस्टेड मी कि मतलब यार कोडिंग वगैरह करो, मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह करो, तो मतलब काफी सही चीज है। मुझे जितना भी टाइम मिलता था ऑफिस में मतलब मैं प्रॉपर मतलब फोन में घुसा रहता था, और जैसे तैसे मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है या मतलब मतलब एक चीज मुझे हेल्प करी कि जो कोडिंग होती थी मेरी क्या कहते हैं वो मैं सिर्फ कॉपी पे ही करता था, मतलब जो कोड होता था, क्योंकि ऑफिस में लैपटॉप तो यूज नहीं कर सकते, तो उससे भी काफी मुझे हेल्प मिली थी कि मतलब जो इंटरव्यू हुआ था तो वहां पे मुझे पेन पेपर पे ही लिखना था। Hi everyone, welcome to Coding Ninjas, and this is Ankush. And so in our today's success story, we have Pradyuman with us. Pradyuman is a perfect example of जैसा कि बहुत सारे लोग करते हैं कि कॉलेज में खास पढ़ाई नहीं की हमने, है ना, हमने सही स्किल्स नहीं सीखी, बट अनलाइक अ लॉट ऑफ पीपल प्रद्युमन ने एक चेंज किया कि यार फोर्थ ईयर में जाके थोड़ी सी अकल लगा के ढंग से हमने पढ़ाई वढ़ाई शुरू की, है ना, और फर्स्ट जॉब डिसेंट थी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी बट डिसेंट जॉब मिली हमें फर्स्ट जॉब। उसके बाद बेसिकली हम रुके नहीं, हमने और अच्छे से तैयारी करी और हमने बेसिकली अमेजोन क्रैक किया, राइट। अमेजोन में हमने एज अ प्रोग्राम एनालिस्ट ज्वाइन किया एंड देन इवेंचुअली वी मूव्ड इनटू एसडी रोल एज वेल। नाउ करेंटली ही इज विद टोकोपीडिया, ही हैज 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ही इज वन ऑफ कोडिंग इंडिया स्टूडेंट्स एज वेल। सो हाई प्रद्युमन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू कोडिंग इंडियास। है कुछ सही बोला ना मैंने, नहीं करी ना पढ़ाई, 3 साल काफी खराब किए ना। हाँ, 3 साल मतलब पढ़ाई तो मतलब कुछ सिचुएशंस थी ऐसी कि नहीं हो पाई। चलो ठीक है, ठीक है, ओके ओके, सो परफेक्ट। चलो सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो प्रद्युमन इज फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज इन लखनऊ, है ना, एंड ऑटोमेटिकली मींस कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है कॉलेज में। आई थिंक कॉलेज में सिर्फ विप्रो आती है जनरली, दैट्स व्हाट यू सेड राइट, लाइक एंड उसमें भी हम उसमें भी ब्लैकलिस्ट हो गए, ब्लैकलिस्ट हो गए थे, राइट। चलो छोड़ो, सो इसके बारे में नहीं बात करते, राइट, लाइक लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव थिंग्स, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि तुम कैसे ब्लैकलिस्ट हुए, आई एम श्योर वो भी इंटरेस्टिंग कहानी होगी वैसे, बट सही है। चलो तो अब मुझे थोड़ा सा बताओ, राइट, लाइक सो यू सॉर्ट ऑफ 12th किया, है ना, अब हम बेसिकली कॉलेज में पहुंच गए, हमें आई एम अज्यूमिंग पता ही होगा कि यार इस कॉलेज में हम आ तो गए बट लाइक बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। सो लाइक हाउ डिड वी सॉर्ट ऑफ, What was the thought process? क्या लग रहा था, क्या सोच रहे थे हमें कि हमें क्या अचीव करना है, कैसे करना है, क्या करना है, right? Like what was the thought process at that time? सो फर्स्ट ईयर में तो क्या कहते मतलब चीजें काफी सॉर्टेड थी, और मतलब मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग की प्रोग्रामिंग भी होती है, कॉमन कॉमन सब्जेक्ट्स भी होते हैं, सो मतलब वो सब तो मतलब किए ही थे। बट सेकेंड ईयर में फादर एक्सपायर हो गए थे, सो उसके बाद मेरे मतलब करीब 1 साल काफी मतलब हो गया था, मतलब वेस्ट लैपटॉप हो गया था। ओह रियली सॉरी, बीच में, या सो बीच में देन आई वाज आई हैड लाइक 3rd ईयर, सो 3rd ईयर में मतलब क्या कहते हैं थोड़ी मैंने प्रोग्रामिंग करी हैकर रैंक वगैरह पे, बट इट वाज नॉट दैट मच लाइक to go for the competitions on the code forces. Okay. So after that, like in my 4th year, फिर मैंने मतलब कुछ friends थे जो मतलब कुछ friend circle में थे मतलब जो coding वगैरह कर रहे थे, so they suggested me कि मतलब यार coding वगैरह करो, मतलब competitive coding वगैरह करो, तो मतलब काफी सही चीज है। तो मतलब उस टाइम पे भी मैं इतना कंसर्न नहीं था, बट मतलब मैंने फिर एक ऐसी कॉम्पिटिशन दिया था, मतलब उसमें टैगिंग का था, so it was okay. it was very random contest, so us questions mein maine questions dekhe, so they were like seems like a story type of questions, so I was amazed like ki matlab ki questions kaise hai, matlab kaise matlab solve karna hai, so then I discussed same thing with my friend, so he suggested me ki matlab yaar ki e competitive program wagera hoti hai, to okay just wagera join karo, so without having the knowledge like कि मुझे पहले data structure करना चाहिए या algorithms करना चाहिए, तो मैं directly competitive programming में कूद गया algorithm के course में। तो मैंने मतलब 2019 में ही competitive programming का course होता join किया था, उसके ये हमने 8th semester में किया था। Yes, 8th semester. 8th semester में जाके हमने पहली बार ढंग से programming शुरू करी, and मैं बता रहा हूँ सबको, अभी बता रहा हूँ इसी point पे, मैं वो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ डायरेक्टली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में घुस जाना बिफोर एक्चुअली बिल्डिंग योर फाउंडेशन इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, बट आई एम ग्लैड इट वर्कड आउट फॉर यू, बट आई एम श्योर थोड़ा स्ट्रगल हुआ होगा, राइट, लाइक कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी और फिर खुद से फाइट मारनी पड़ी होगी कि यार समझते हैं इसको करते हैं इस तरह। राइट राइट,
एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जैसे ग्राफ के क्वेश्चन होते थे तो उसमें BFS DFS मतलब नॉर्मली कैसे चल रहा है, तो मतलब वो नहीं समझ में आता था कि मतलब, तो उसके लिए फिर मुझे वही रिविजिट करनी पड़ती थी डी के लिए, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में मुझे स्विच करना पड़ता था कि यार आप डेटा स्ट्रक्चर्स देखते हैं। कुछ क्वेश्चन में जैसे ग्रीडी प्रॉब्लम्स होती थी तो कहीं पे कहीं स्टैक्स यूज कर रहे हैं, कहीं कुछ क्यूज यूज कर रहे हैं ग्रीडी प्रॉब्लम्स में, तो मुझे वहां स्विच करना पड़ जाता था। तो इट वॉज लाइक लर्निंग बाय प्रैक्टिस, मतलब जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर भी प्रिपेयर हुआ, बट मतलब ये था कि एल्गोरिथम ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, डेटा स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया था। तो हाँ, तो मतलब एल्गोरिदम तो मतलब काफी मतलब मेरा फिर उसके बाद इम्प्रूव हुआ था, कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम का जो कोर्स था। सो उसमें दो मेंटर भी थे मेरे, एक सुरेश था और एक ऋग्वेद था, मतलब दोनों से मतलब मैं अच्छा काफी टच में था। हाँ, और दोनों मतलब काफी हेल्प करी थी मुझे, अभी भी सही करते हैं है। मतलब। सो ये जस्ट टू रिमाइंड एवरीबडी, वी आई ऑलरेडी इंटरव्यूड बोथ ऑफ देम, सुरेश एंड ऋग्वेद। सुरेश आई थिंक इज विद गूगल राइट नाउ, ऋग्वेद इज इन डायरेक्ट आई। बोथ ऑफ देम वर TAs एंड दैट्स हाउ बेसिकली दे बिकेम मेंटर फॉर प्रद्युमन। परफेक्ट मैन, आई एम सो ग्लैड आई गेट वेन एवर आई गेट टू हेयर ना कि वो मेरा TA था, वो मेरा मेंटर बन गया, फिर वो मेरा दोस्त भी बन गया। लाइक आई जस्ट लव दीज स्टोरीज बिकॉज इवेंचुअली राइट, लाइक दिस कम्युनिटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लाइक इस साल हम 25-30 हज़ार बच्चे पढ़ेंगे कोडिंग निंजा से कम 2-3 हज़ार TAs होंगे, राइट? सो दिस इज लाइक अमेजिंग कम्युनिटी, एंड इफ यू कैन बिल्ड सम कनेक्शंस विद इन दिस कम्युनिटी तो बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं लोग एक दूसरे को। आई एम श्योर तुम्हें भी उन्होंने बाद में भी हेल्प की होगी आफ्टर कोर्स इन टर्म्स ऑफ फिगरिंग आउट कि क्या करना है कैसे करना है। हाँ, अभी मतलब कि लास्ट वीक की बात हुई थी मेरी, तो मतलब होती रहती है बात सबसे, तो मतलब सजेशंस वगैरह और मतलब कि कहाँ रिफरल करना है, ये सब चीजें मतलब डिस्कस हम लोग करते हैं आपस में भी, तो काफी हेल्प हुई। हाँ, तो मतलब यही था कि मतलब फोर्थ ईयर में मतलब मैंने सिर्फ एल्गोरिथम पढ़ा था, देन उसके बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी कोडिंग निंजा से, तो मैं मतलब बैंगलोर फिर जैसे तैसे मतलब सिलेक्ट होके गया। तो वहाँ पे मतलब ये होता था कि नाइट मतलब 8 to 6 मतलब ऑफिस होता था, मतलब तो वो काफी हार्ड हो जाता था कि 8 to 6 ऑफिस के बाद, तो मतलब कि मुझे जितना भी टाइम मिलता था ऑफिस में मतलब मैं प्रॉपर मतलब फोन में घुसा रहता था, और जैसे तैसे मतलब कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है या मतलब, सो मतलब एक चीज मुझे हेल्प करी कि जो कोडिंग होती थी मेरी क्या कहते हैं वो, मैं सिर्फ कॉपी पे ही करता था मतलब जो कोड होता था, क्योंकि ऑफिस में लैपटॉप तो यूज नहीं कर सकते, तो मैं पूरा जो प्रॉपर मतलब कोड होता था बेसिक कोड वो मैं कॉपी पे ही करता था। तो उससे भी काफी मुझे हेल्प मिली थी कि मतलब जो इंटरव्यू हुआ था तो वहाँ पे मुझे पेन पेपर पे ही लिखना था, सो मतलब करेक्ट काफी मतलब ये था कि जो भी सिंटेक्टिकल एरर्स होते हैं या मतलब कुछ भी मतलब एज केसेस वगैरह होते हैं जो पेन पेपर पे नहीं सही तरीके से हैंडल हो पाते हैं, तो वो मतलब होना इम्प्रूव हो गया था। सो ओके आफ्टर मतलब 5 to 4 months टू आई मीन बैंगलोर जाने के बाद क्या कहते हैं फिर अमेजोन में इंटरव्यू था। सो मतलब पहला एक मेरा SD का इंटरव्यू था, तो वहाँ से मैं रिजेक्ट हो गया था। सो उसके बाद प्रोग्राम एनालिस्ट का मैंने दिया था, तो वहाँ मैं सिलेक्ट हुआ था। ओके तो जहाँ पे मैंने देखा क्या कहते हैं कि हाँ मतलब कि यहाँ से मैं रिजेक्ट हुआ क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में थोड़ा वीक है, मतलब अभी मुझे थोड़ा और काम करना है इस पे। तो फिर उसके बाद मैंने डेटा स्ट्रक्चर फिर मतलब शुरू किया, तो उसके बाद मैंने मतलब पूरा डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, देन प्रोग्राम एनालिस्ट के साथ ज्वाइन करने के बाद मैंने 1 महीने बाद ही SD के लिए फिर इंटरनल अप्लाई कर दिया, फिर मतलब मैंने स्विच कर लिया था। सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग है यार ये तो। सो बेसिकली हमने कोर्स किया, कोर्स में हमने एल्गोरिथम पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, उसके बेसिस पे हमें एक जॉब भी मिल गई, वो कोडिंग निंजास के प्लेसमेंट सेल से मिली थी। राइट राइट अच्छा सही है। सो हम वहाँ पर गए बट हमें लग रहा था कि नहीं अमेजोन जाना है, सो हमने बेसिकली तैयारी कंटिन्यू रखी अपने काम के साथ साथ। सही है। सो अमेजोन का जो ये प्रोग्रामर एनालिस्ट रोल है, क्या ये थोड़ा आसान होता है क्या रिलेटिवली क्रैक करना कंपेयर टू वो SD रोल, कैसा रहता है इसमें? आई मीन द लेवल सेम रहता है, मतलब कि जो इंटरनल लेवल होता है जॉब जॉब फैमिली का, बट उसमें ये रहता है कि द टाइप ऑफ क्वेश्चन की जो DP के क्वेश्चन होते हैं जो हायरिंग मैनेजर राउंड में पूछे जाते हैं, तो वो इतने टफ नहीं रहते हैं। मतलब हो सकता है कि वो DP की जगह सिंपल ग्राफिक क्वेश्चन पूछ दें, बट मतलब ये रहता है कि हाँ मतलब क्वेश्चन सही रहते हैं, मतलब इतने टाइप मतलब हार्ड लेवल के ज़्यादा नहीं रहते हैं। एंड इसमें मतलब सैलरी वगैरह थोड़ी कम होती है, रोल वगैरह थोड़ा डिफरेंट होता है, क्या रहता है इसके अंदर? हाँ, मतलब क्या कहते हैं कि ये रहता है कि सैलरी थोड़ी सी फर्क रहता है, मतलब मतलब ऐसा अच्छा हो सकता ज्यादा है कि नहीं दो होता। तीन 2-3 लाख का मतलब 1-2 लाख का ही अच्छा फर्क होता है, मतलब ज्यादा ओके ओके कुछ फर्क नहीं होता है। बट और जॉब की बात करें तो जॉब भी मतलब ये टीम टू टीम डिपेंड करती है, जो प्रोग्रामर एनालिस्ट की जॉब है, हो सकता है कि किसी टीम में उनको डेवलपमेंट का काम मिल रहा हो, लेकिन किसी टीम में हो सकता है कि उनको डेवलपमेंट का काम ना मिले इतना, अच्छा, तो ये डिपेंड करता है उसमें। और तुम्हें मिल तो रहा था? बेसिक हाँ, मतलब मुझे नहीं मिला था, तो मैंने दैट्स अच्छा व्हाई आई स्विच्ड टू द SD ओके। इन द डिफरेंट टीम बैंगलोर। या तो SD रोल के लिए जब तुमने अप्लाई किया तो दोबारा से इंटरव्यूज हुए थे क्या?
हाँ, चार राउंड फिर से घूमे, चार अच्छा पांच राउंड वही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम फिर से। राइट राइट ये सैड है यार, मतलब तुम कितना मर्जी काम कर लो उसके बाद ना आके वापस इंटरव्यू में वही डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पूछते हैं। अरे भाई एक साल से अमेज़न में ही तो काम कर रहे हो, दे शुड बी एबल टू जज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट। सही है चलो मस्त है। बट तुमने फिर अमेज़न क्यों छोड़ दिया, लाइक यू वर एट अमेज़न फॉर लाइक जस्ट वन वन एंड हाफ ईयर राइट, लाइक क्यों छोड़ दिया फिर हमने अमेज़न? बेसिकली क्या कहते हैं कि मतलब मैं जब अभी ये परस्यू कर रहा था मतलब जॉब्स की, तो उसके बाद मतलब कुछ मुझे थोड़ी ऐसा यहाँ पे जो टोकोपीडिया से मतलब कॉल वगैरह भी आई थी, सो मतलब उसके बाद मुझे ऑफर वगैरह भी मतलब थोड़ा सही मुझे लगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मतलब वर्क कल्चर, इन टर्म्स ऑफ श्योर लाइक कॉम्पनसेशन, सो आई कंसिडर्ड ऑल द फैक्टर्स एंड बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइडेड टू गो। ओके ओके। सो अब थोड़ा सा हमें एक बार तुम बताओ ये इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, लाइक इन द प्रोग्राम एनालिस्ट वन देन द एसडी रोल देन टॉकोपीडिया, लाइक कितने कितने राउंड्स थे तीनों केसेस में राइट, लाइक मोस्टली फोकस क्या था तीनों में, थोड़ा सा हमें आइडिया दो तीनों के बारे में एक एक करके। प्रोग्राम एनालिस्ट में भी ओवरऑल 5 राउंड थे। फर्स्ट राउंड मतलब उनका कोई डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, दूसरा राउंड भी मतलब 4 राउंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम थे। जो फिफ्थ राउंड था वो उनका बार रिजल्ट राउंड होता है, मतलब चाहे वो एसडी हो या मतलब पीओ प्रोग्राम एनालिस्ट हो। तो उसमें भी एक क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का था, मतलब वो क्वेश्चन एल्गोरिथम का ही था। तो और क्या था कि उसमें वही बेसिक जो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब आपको मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने रहते हैं, स्टार मेथड वगैरह होता है अमेजोन पे, तो वो स्टार मेथड के बेस पे आपको स्टोरीज क्रिएट करनी पड़ती हैं जो कि आपने काम किया है, और उनके बेसिस पे आपको आंसर्स देने पड़ते हैं, मतलब तो सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट, इस ओके तरीके से कुछ। तो या सो ये तो प्रोग्राम एनालिस्ट का था। उसके बाद कोई एक नहीं एक कोई तो प्रॉब्लम बताओ ना हमें, कोई प्रॉब्लम बताओ ना एग्जैक्ट क्या पूछा तुमसे, याद अच्छा अच्छा है अच्छा कुछ? अच्छा ओके। सो बेसिकली मुझे बस एक ही प्रॉब्लम याद है कि जो लिंक लिस्ट में क्या कहते हैं जो के नोट्स होते हैं उनको रिवर्स करने वाली प्रॉब्लम जो होती है, तो वो मुझे सेकंड राउंड में उन्होंने पूछा था। थर्ड और थर्ड राउंड में कुछ डीबगिंग टाइप का भी था, और कुछ एल्गोरिथम क्वेश्चन भी थे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे शायद थे क्वेश्चन। और जो फोर्थ राउंड था वो मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं, बट वो कुछ वॉज लाइक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था। डीपी क्वेश्चन तो नहीं थे मेरे राउंड में, मतलब ग्राफ थे, लिंक्ड लिस्ट थे, और ट्री और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ऐसी क्वेश्चन थे। सही है और फिर जब हमने इंटरनली एसडी में मूव किया तब भी सिमिलरली था प्रोसेस? नहीं, तब डिफरेंट था। तब क्या था कि सिर्फ 4 राउंड थे, हायरिंग मैनेजर राउंड नहीं था, मतलब बार रेजर नहीं था। तो ठीक बार है रेजर तो ऑलरेडी हो चुका होता है, तो वो मान लेते हैं कि बार रेजर मतलब बंदा निकाल चुका है, तो वो मतलब कैपेबिलिटीज मतलब एक तरीके से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बेसिस पे जस्टिफाई करते हैं। सो 4 राउंड थे उसमें तो, लेकिन उसमें मेरा जो पहला राउंड था वो था डीपी ऑन ट्री था, और मतलब सेकेंड राउंड भी मेरा डीपी का क्वेश्चन था। थर्ड राउंड जो था वो थोड़ा उसमें ट्री मतलब हैश मैप टाइप और कुछ ML टाइप का कुछ सॉल्यूशन देना था, जिसमें मतलब सुपरवाइज लर्निंग वगैरह हम लोग करते हैं। तो थर्ड अच्छा राउंड में ये था। हाँ, और फोर्थ राउंड में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे, मतलब क्या कहते हैं डीपी से रिलेटेड, और डीपी ऑन ग्राफ जो बोलते हैं वैसा कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन थे कुछ। तो ये तो बहुत हेल्प किया हुआ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, तो आई थिंक ये कंप्यूटर लाइक ये डीपी है ना, डीपी ऑन ग्राफ्स डीपी ऑन ट्रीज ये सब काफी अच्छे से किया हुआ यस है तुमने। हाँ, डीपी ऑन ग्राफ और डीपी बिट मास्किंग, ये सब चीजें काफी मतलब हेल्प करती थी। मतलब ये था कि डीपी क्वेश्चन सब दिख जाते हैं कि हाँ ये डीपी का क्वेश्चन है आराम से, तो उसमें इतना इशू नहीं होता। बट ये होता है कि जैसे कुछ क्वेश्चन ग्रीडी वगैरह का होता है, तो उसमें भी इशू आ जाता है कभी कभी, बट ये सब क्वेश्चंस हो जाते हैं। सही है। सो टोकोपीडिया का भी ओवरऑल प्रोसेस वाज सिमिलर टू अमेज़न या काफी डिफरेंट था प्रोसेस? इनका डिफरेंट था, इनके में ओवरऑल 4 राउंड थे, 3 राउंड डेटा से एल्गोरिथम, एक था जो मतलब लास्ट राउंड था वो बिहेवियरली था। मतलब तो स्टार्टिंग के जो 3 राउंड थे उसमें भी वही मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस थे, डीपी बेस्ड क्वेश्चंस थे, डीपी और ट्री के क्वेश्चंस थे, और एक मतलब डीपी ट्री एंड लिंक्ड लिस्ट क्वेश्चन थे, और जो लास्ट राउंड था वो बिहेवियरल था, मतलब वही जैसे जो स्टार मेथड अमेज़न में होता है वैसे कुछ टाइप से। अच्छा क्या स्टार मेथड क्या होता है, क्या मतलब होता है इस बात का? स्टार मेथड ये होता है कि जैसे कि स्टार स्टैंड्स फॉर लाइक सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सो बेसिकली जो भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक कि आपने कौन से चैलेंज फेस किए अपने प्रोजेक्ट में, सो उस क्वेश्चंस उसके आंसर को वी हैव टू फॉर्मुलेट इन सच ए वे कि वो स्टार मेथड में आ जाए। सो मतलब दे विल बी इजी अच्छा टू अंडरस्टैंड,
और कि मतलब कि क्या सिचुएशंस थी कि उस पे आपने उस सिचुएशन पे क्या आपने एक्शन लिया, क्या फिर आपने टास्क को निकाला, देन उस पे रिजल्ट क्या आया आपका, तो अच्छा वो इस तरीके से मतलब कुछ बताते हैं ये तुम्हें पहले ये से पता था। इंटरनली. नहीं मतलब मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया था यूट्यूब वगैरह पे, तो मतलब जो उनका मेल आता है कि मतलब ये चीजें पढ़ लो, तो वहाँ पे स्टार मेथड उन्होंने मेंशन करके रखा था, अच्छा तो मतलब फिर मैंने एक्सप्लोर किया फिर. और ये चीजें सही इंटरनली है अमेजोन में मतलब काफी हेल्प करती है, मतलब जब डॉक्यूमेंटेशन राइट। वगैरह की बात आती है तब काफी हेल्प कर देती है. सही है सही है। नहीं मेक सेंस। सो हाउ इज वर्किंग एट टोकोपीडिया, हाउ हैज दैट एक्सपीरियंस बीन हाँ लाइक? यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक द वर्क जो मतलब है, भी काम है मतलब काफी सही है, क्योंकि जो सर्विसेज है मतलब उनके ट्रैफिक मतलब काफी सही रहते हैं, मतलब 9 KRPS टाइप, जो मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि इस टाइप की सर्विस पे काम करना है, इनको हैंडल करना. राइट और इसके अलावा जो वर्क कल्चर भी है मतलब वो भी काफी मतलब सही है, मतलब यहाँ पे तो ये कि वर्क लाइफ बैलेंस एंड जो इसके अलावा क्या कहते काम है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब सही. सही है परफेक्ट परफेक्ट। सो एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू टेल पीपल हु आर इधर इन कॉलेज राइट नाउ और हैव ग्रेजुएटेड बट आर नॉट एंजॉइंग देयर जॉब राइट नाउ एंड वांट टू गेट टू बेटर प्लेसेस, एनी सॉर्ट ऑफ सजेशंस दैट यू हैव कि क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए? सो आई मीन जो कॉलेजेस में है, सो मतलब उनके लिए तो भाई डीएसए तो मतलब करना ही चाहिए. सो मतलब वो हेल्प ही करता है, मतलब एनालिटिकल जो एक एनालिटिकल पावर पावर भी थोड़ी अच्छी होती है मतलब उससे. राइट और जो एक थॉट प्रोसेस होता है, एक सोचने का तरीका होता है, वो एक मतलब काफी सही रहता है, कि ये नहीं कि हम डायरेक्टली जंप करते हैं. तो मतलब ये जो प्रॉब्लम होती है काफी, मतलब मैंने देखा कि रियल लाइफ में भी काफी हेल्प करती है अपार्ट फ्रॉम वर्क. मतलब डीएसए तो मतलब करना ही चाहिए, एटलीस्ट मतलब 5 6 महीने तो करना चाहिए. और अगर मतलब कॉलेज, अगर Tier 3 कॉलेज है, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, सो मतलब काफी प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब कोडिंग निंजास भी मतलब उसमें है जिससे मुझे हेल्प मिली. उसके अलावा मतलब सब जो हैकर है, वो हैकर एडवाइज पे भी मतलब हायरिंग चैलेंजेस वगैरह चलते राइट रहते हैं, तो राइट वहाँ से भी हम लोग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं. उसके अलावा रेफरल्स तो होते ही है, मतलब कम्युनिटी में आपस में रेफरल्स मतलब सब मिल बिल्कुल जाते हैं. बिल्कुल यस बिल्कुल। एंड आई थिंक वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इज कि यार मेंटर्स अगर होते हैं तो बहुत फायदा होता है। पीपल हु हैव डन समथिंग सिमिलर जो तुम करना चाहते हो, तो ना हमेशा ऐसा फील नहीं होता कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यू ऑलवेज हैव दैट एग्जाम्पल। वो बंदा तुम्हें बोल रहा होगा मैंने भी तो किया है, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, यू ऑलवेज फील दैट हाँ यार इसने किया था तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड दूसरे उसने किया नहीं है, वो तुम्हारी हेल्प भी कर रहा है वहां पहुंचने के लिए, राइट? सो दैट्स जनरली वेरी हेल्पफुल। सही है सही है। थैंक यू सो मच प्रद्युमन, दिस वाज रियली रियली हेल्पफुल। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों से बहुत फायदा होगा, दे विल अंडरस्टैंड कि कैसे करना चाहिए कैसे सोचना चाहिए, राइट? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन कोरियन निंजा चैनल एंड आई एम ग्लैड यू वर एबल टू टेक आउट टाइम। ओके थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू.